लगा रहे थे, तो ये सरकार के पास बार बार शिकायत जा रही थी कि क्योंकि वो एक तो वो एनआरआई है, दूसरा एनआरई अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो एनआरई अकाउंट में जो पैसा आता है वो स्वभावतः वो एग्जेम्प्ट होता है बाय कैरेक्टर। तो इन दोनों की वजह से सरकार ने सर्कुलर नंबर 13 ये इशू किया 11 अप्रैल का, जैसे आपने बताया, अब उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं, सीबीडीटी ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। बढ़ते सवालों की तरफ, सोनीपत से